इस देश के पूरे कहते ना कि रोजगार सिस्टम, जो रोजगार रोजगार पे नारे लगाते हैं, उन्होंने ये प्रयास किया कि जो सबसे बड़ा उद्योगपति है उसको जमीन से हिला दे। अडानी के लिए तो षड्यंत्र में सफल ही हो गए थे, पूरा जो है इकोसिस्टम उसमें लग गया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से कोशिश किया, पूरा शेयर गिरवा दिया, लेकिन अंबानी में ये सफल नहीं हो पाए। खैर अडानी उसको भरपाई कर गया, लेकिन सचमुच जिन लोगों ने गाली दी उनका वहां नाचना, उनका वहां कहते ना कि सर झुका करके खड़ा होना, अंबानी इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि एक संदेश देना चाह रहे हैं। लेकिन उस दौर में माँ बेटे को क्या ये सूझी कि वो कैसे इस स्थिति से निकल पाए? नहीं, माँ बेटे को तो मनीष जी कोई दूर जाएगा, कोई कांग्रेसी जाएंगे वहां पे, वही तो कल जरा 12 तारीख को शादी हो जाने दीजिए, सब आ जाएगा। कौन कौन गया तो कोई ना कोई उनका दूत जाएगा, क्योंकि ये अलग खेल है। ये माँ बेटे अच्छे से जान रहे हैं कि ये इन्होंने इतनी गाली दी है, तो इनको जाके जवाब देना जरा महंगा पड़ेगा, तो बाकी पूरा इंडी गठबंधन वहां चला जाएगा, इनका दूत चला जाएगा। और ये जानबूझ कर मनीष जी मुंह चुरा रहे, इनको गाली इन्होंने गाली दी है, इस बात को नहीं जा रहे कि जरा याद करिए कि मुकेश अंबानी जब इनके यहाँ वो देने गया था निमंत्रण कार्ड, तो 1 घंटा वो राहुल गांधी और 1 घंटा सोनिया गांधी, उसने कितना फालतू था। और ये कितने बड़े नेता है, कितने महत्वपूर्ण है, 1-1 घंटा दोनों के यहाँ बैठक हुई, तो वो निमंत्रण नहीं था, वो कुछ आगे की रणनीति पे बात थी, जरा समझिए इस बात को। और इसीलिए जो मैंने उस दिन कहा था कि एक और खबर है जो कॉर्पोरेट जगत चल रही है कि मुकेश अंबानी ने मनीष जी एक सोशल मीडिया पर चल रहा कि शादी का खर्चा उसने 25% जो बढ़ा दिए रेट अपने टैरिफ, डेटा तो का बेटे के वो डेटा का, तो उससे उसने खर्चा निकाल लिया, मैं वो खर्चा चले निकाल लिया, पैसा बहुत है उसके पास, उसके लिए उसको करने की जरूरत नहीं थी। उस आदमी ने जो डिजिटल इंडिया, मनीष जी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है, जो आज की तारीख में सब्जी वाला सड़क वाला भी जो व्हाट्सएप उसको इकट्ठा पेटीएम पे और गूगल पे पे जो अपना पेमेंट ले रहा पेमेंट दे रहा है, उसकी कमर तोड़ने की ये शुरुआत है, जरा ध्यान से करिएगा। और संभवतः इसीलिए आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने BSNL के करीब करीब 1.25 लाख की 1.5 लाख टावर वो लगवा रहे हैं, और BSNL की 4G सेवाएं मेरे ख्याल अगस्त तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी। 5G हमको क्या करना है मनीष जी, 5G ना आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है, 4G में बहुत बढ़िया काम चलता है। और जो 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 5G के नाम पे डाटा मुकेश अंबानी का जियो देता है या एयरटेल देता है 3,000 रुपए में, वही 4G उतना ही डाटा 4G का BSNL में 1,500 रुपए में उपलब्ध है, साल भर की बात कर रहा हूँ। तो वो नरेंद्र मोदी को मालूम है, अच्छे से समझ रहे हैं कि खेल क्या चल रहा है, क्या खेल होने जा रहा है, और इसीलिए ये 25% बढ़ा। और अभी ये डाटा और बढ़ेगा मनीष जी, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल का ट्रांजेक्शन का अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो, मैं भी मानता हूँ कि वो वास्तव में भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी पहल थी और उसको ऐतिहासिक सफलता मिली है, उसकी कमर तोड़ने के लिए ये डाटा रेट बढ़े हैं, इसने भी बढ़ाए हैं और एयरटेल ने जो वो पूरा काकस बन के, और उसके बाद वो गया है राजमाता के यहाँ मत्था टेकने, और ये खेल तब से शुरू है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब ये हिंडनबर्ग वाला अडानी वाला गेम शुरू हुआ था, तो ये कारपोरेट वार है, अडानी का नंबर बन जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो ये खेल जरा दूसरा है। और इसीलिए माँ बेटा, ताकि कोई शंका ना करे, कोई शक ना करे कि वो जो 1-1.5 घंटे की पंचायत हुई है अंबानी के साथ घर में बैठ के, ऐसा कहो तो निमंत्रण पत्र देने के, तो 1 घंटे कौन सी बात हो रही थी, वो तुम्हारे लौंडे का हाल पूछ रहे थे कि तुम उसके लौंडे का हाल पूछ रहे थे, जिसका कोई लेना देना नहीं, जो जो देश के किसी संवैधानिक पद पर नहीं, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके 1 घंटे तक वो निमंत्रण देता रहा, नहीं निमंत्रण नहीं देता रहा, वो वहां पे कुछ छल प्रपंच चल रहा था। और उससे पहले मनीष जी जरा कि सोनिया गांधी के जाने से पहले 2 दिन पहले वो गए थे संघ प्रमुख, तो उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ अंबानी के यहाँ, तो मेरे ख्याल से संघ प्रमुख को वहां के बताना चाहिए कि वो तो मोदी तो बड़ा अहंकारी था, उसको तो औकात बता दी संघ ने, ये बिल्कुल जो जो चाहते थे वो औकात बता दी, लेकिन लायक इसको हो, वो जो रोज भगवान राम को गाली दे रहे हैं, वो जो रोज सनातन को गाली दे रहे हैं, और जो रोज हिंदू को गाली दे रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ मनीष जी एक शब्द नहीं निकल रहा मुंह से। मोदी तो अहंकारी था, उसको निपटा दिया, उसको निपटा दिया, लेकिन जो राहुल गांधी को लेके आए हो, जिस अखिलेश यादव को लेके आए, जो रोज गाली दे रहे हैं भगवान राम को, वो बुरा नहीं लग रहा। यानी राम राम बड़े रही हैं, अपना अहंकार बहुत बड़ा कि मोदी बड़ा अहंकारी है, मुझको लाइन दे रहा,
तो वो जो संघ प्रमुख है कभी एक शब्द बोले, चार जून से और आज का तारीख है, एक भी बयान आपके पास संघ का आया, ये जो राम को अपमानित कर रहे हैं, भगवान राम मंदिर को अपमानित कर रहे हैं, और जिस तरह से संसद में उसने हिंदुओं को हिंसक कहा, इसके खिलाफ एक भी बयान आया आपको संघ का? नहीं आया। मरी जी चुप्पी क्यों है? तो मोदी अहंकारी है, जिसने लाखों रुपए लगा के, लाखों करोड़ रुपए लगा के, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे उज्जैन का धाम हो, उसका वहां पर सेवा करने वाला व्यक्ति वो अहंकारी था। लेकिन संसद में जो गाली दे रहा, हिंदुओं को गाली दे रहा, पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहा, लेकिन अभी तक एक भी बयान, एक भी खंडन या एक भी आंदोलन संघ का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों चुप्पी है? और वो सोनिया गांधी से जब एक घंटे की पंचायत करने गया, उससे दो दिन पहले उसके घर में मुलाकात हुई। तो ये बड़ा लंबा खेल चल रहा है, और नरेंद्र मोदी कैसे जाल में फंसे हैं और कैसा जाल काट रहे हैं, आने वाला समय बताएगा। मनीष बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है।